इन्होंने इंट्रोडक्शन में ऐसा लग रहा है कि पूरा मेरी किताब खोल के रख दी. एक्चुअली जैसे हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग रहते तो हमारी पर्सनल लाइफ बहुत सिक्योर रहती है. लोग उतना ही जानते हैं जितना हम बताना चाहते हैं. बट आप जब एक पब्लिक फिगर बन जाते हो, एक ऐसे जॉब प्रोफाइल में आ जाते हैं जहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं, तो फिर यहाँ पे हमारी कोई भी काम पर्सनल नहीं रह जाती है. तो सेम छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने सारी चीज़ों को बता दिया. तो सिंपल सी लाइफ है, जैसी आप लोगों की है वैसी ही है. बस एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गया. 25th रैंक इस कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला रैंक नहीं है, लेकिन उस रैंक को हासिल करने के बाद मुझे अपने जो लोग हैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला था. इवन जब भी 5 साल पूरा हुआ तो मैं वो स्टार्टिंग डेज को याद कर रही थी कि डेफिनेटली भाई पुलिस सर्विस में 5 साल होना मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि यार मैंने निकाल लिए 5 साल, काफ़ी कुछ किए. जब मैं ज्वाइन की थी तो मेरे IG सर से जब मैंने कॉल ऑन किया था तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला था कि बेटा आपने अभी सर्विस ज्वाइन किया है तो अभी से लेकर आप काउंट करो आपके 5 साल. इस 5 साल में जो इमेज आपने बना लिया वो थ्रू आउट सर्विस जब तक आपका रिटायरमेंट होता है वही इमेज आपको आगे लेके जाएगा. तो आज यहाँ पे मैं हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ कर लिया है और अभी बहुत कुछ करना है. और नो डाउट आप लोगों की हेल्प के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. पुलिस जो भी करती है पब्लिक के लिए करती है, और पब्लिक ही अगर सपोर्ट ना करे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है ना. ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है. पुलिस आपकी सेफ्टी तभी करेगी जब आप अपनी सेफ्टी इंश्योर करेंगे. और मुझे जब यहाँ पे बुलाया गया तो पूछा गया कि क्या टॉपिक लेंगे, तो मैं पहले सोची क्या टॉपिक लिया जाए. फिर मैंने सोचा वहाँ पे जनरली मैं यहाँ पे ICW में पोस्टेड हूँ, तो जो इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है उसमें मैं काम करती हूँ कि महिला संबंधी कोई अपराध हो पूरे ज़िले में तो क्यों हुआ, उसमें जो एक्यूज्ड है उसको कैसे पकड़े, उसको सजा दिलाने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसे अच्छे रहे उसको देखते हैं. तो पहले सोचा कि मैं वुमेन सेफ्टी पे यहाँ पे बोलूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं अगर खाली वुमेन सेफ्टी पे बोलूँगी तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे. फिर मैंने सोचा साइबर क्राइम सब सुने होंगे डेफिनेटली, तो ये बेस्ट टॉपिक हो जाता है और इससे वुमेन्स भी जुड़े हुए हैं और जितने मतलब सभी रेंज को ये छुआ हुआ है. और सबसे ज़्यादा जो हमने आंकड़े देखे अगर साइबर क्राइम की बात करें तो एक 50+ वाला जो एज ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुए हैं. जो फिनेंशियल फ्रॉड अगर देखें OTP से हो या फिर ऐसे मैसेज कि लॉटरी लग गया आपका, इस टाइप के जो मैसेज आए हैं वैसे तो हम सबके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें हमारे फादर हमारे चाचा ये लोग सब उसी एज ग्रुप में आते हैं. तो अगर हम इन चीज़ों को सीख जाएं और उनको इस चीज़ को जाके बताएं तो डेफिनेटली उनके साथ वो फ्रॉड होने से रोक सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में रहने वाले को ही टारगेट किया जाता है. हमने जब डाटा देखा, जैसे मेरे पास भी कंप्लेंट आते हैं अच्छी अच्छी कंपनी में वेल नोन पोस्ट में मैनेजर की पोस्ट में या बैंक बहुत अच्छे अच्छे जगह पे काम करने वाले भी इसके मतलब विक्टिम बन चुके हैं. सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जैसे गूगल पे हम लोग करते हैं तो गूगल पे में एक पे वाला ऑप्शन आता है और एक रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन आता है. तो कभी भी अगर हम किसी से पैसे लेना है तो हमें कोई OTP नहीं डालने रहती है. OTP कब डालेंगे, जब हमें पैसा देना हो. तो सेम चीज़ कई बार ऐसा होता है ना कि हम आपको गूगल पे से पैसा दे रहे हैं तो सामने वाला उसमें रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है, तो जब हमें मिलता है तो हम रिक्वेस्ट को बिना हमें ऐसा लगता है कि इतना अमाउंट लिखा है तो इतना पैसा हमें मिलेगा, हम जो OTP रहता है उसको डाल देते हैं तो पैसा सामने वाले को चला जाता है. तो ऐसे फ्रॉड होते हैं. कई बार हम लोग को Zomato करते हैं, फूड टाइम पर डिलीवरी नहीं होती है. कई बार और कुछ किए रहते हैं तो उसमें हम लोग को कंपनी से बात करना रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे ईजी मैथड गूगल में सर्च कर दिए कस्टमर केयर का नंबर, और जहाँ पे हमने सर्च किया वहीं पे हमारे साथ फ्रॉड होना शुरू हो जाता है. तो जब भी गूगल में आप कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हो तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वेबसाइट खुलती है उसमें वो ऑथेंटिकेट वेबसाइट है कि नहीं है, नहीं तो उसी में हम लोग जो नंबर रैंडम फर्स्ट में ही ना सबसे फर्जी नंबर ना सबसे फर्स्ट वाले सर्च लिस्ट में दिखेंगे आप लोग को. तो हमने तो गूगल केयर नंबर मतलब कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, वहाँ से नंबर मिला, हम उसमें डायल करते हैं, लोग बात ऐसे करेंगे ना जैसे यही मतलब एक्चुअल बैंक वाला भी उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से वो लोग करते हैं. लेकिन आप लोग देखना जब
पाँच मिनट तक आप उनको थोड़ा घुमाने लगो ना, क्लियर जो पूछ रहे हो नहीं बताओ, तो फिर वो अपने असली टोन में फिर आ जाते हैं। तो कभी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल से सर्च ना करें, अगर कर रहे हैं तो उसमें देख लें कि वेबसाइट कौन सी है। और बैंक से रिलेटेड SBI बैंक का प्रॉब्लम है, ICICI का है, तो हमारे पास जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रहता है उसमें ऑलरेडी नंबर दिया रहता है, वहीं से ही कॉल करें ताकि आप लोग के साथ कोई फ्रॉड ना हो। और एक और जैसे OTP वाला तो बहुत कॉमन हो चुका है कि OTP कोई भी कॉल करता है तो OTP नहीं बताना है, फिर भी लोग बता देते हैं। अभी भी हम लोग 2-3 साल से इस पे साइबर अवेयरनेस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, फिर भी अभी भी लोग ये गलतियां करते हैं। और जैसे कई बार ये होता है कि हम लोग को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स बनते हैं, डेफिनेटली फेसबुक में हमारे देखना कईयों के आईडीज बने होते हैं, मतलब एक पर्सन के कई सारे आईडीज बने रहते हैं, और कई लोग ये पोस्ट करते हैं कि मेरी फेक आईडी है ये, प्लीज़ इस पे ट्रस्ट न करें, ये पैसा मांगे तो पैसा न दें, ऐसा पोस्ट बहुत कॉमन देखने को मिल ही जाता है। पर देखिए हमारे नाम से जितने फेक आईडी बने हम सबको बंद नहीं करा सकते, आज बंद कराएंगे कल दोबारा फिर से बन जाएगा, तो सिर्फ आईडी फेक आईडी बने और उसको बंद करा दें इज़ नॉट एन ऑप्शन। हमें सबसे ज़्यादा अवेयर ये रहना कि आप अगर सोशल मीडिया में किसी से कनेक्टेड हो तो किस लिमिट तक कनेक्टेड होना है, किस लिमिट तक उनसे बात करना है। सबसे बेस्ट है अगर आपको उनसे ट्यूनिंग अच्छी बन रही है तो आप उनसे व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, एक बार फेस टू फेस मिल लीजिए, फिर बातें शेयर कीजिए, फिर पर्सनल डिटेल्स उनसे शेयर कीजिए। और कभी भी सोशल मीडिया में कोई पैसे मांगे तो भूल के भी नहीं देना चाहिए, भाई हम महीने भर मेहनत करते हैं तब हमें पैसा मिलता है, भले सैलरी जितनी अच्छी भी हो या जितना कम भी हो, जितना भी हो उसके लिए हम लोग डेली का मेहनत रहता है तभी वो जाके वो एक अमाउंट बनता है। तो सिर्फ किसी के सोशल मीडिया में बोल देने भर से कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये है फलाना ढिमका, तो हम लोग क्यों दे देते हैं? ऐसा तो घर वाले मांगते हैं तो उनसे हिसाब ले लेते हैं, अच्छा ठीक है तुझे शर्ट खरीदना है तो 2000 ले ले, 5000 क्यों लेगा, मूवी देखना है तो इतना ले ले, ऐसा हम लोग अपने घर वालों से बात करें तो फिर वहाँ पर लाखों रुपये लोग दे देते हैं। और अब भी रिसेंटली हुआ है, बहुत बड़े ऑफिसर ने फेसबुक में ही उनको जब पैसा मांगा गया तो उन्होंने दे दिया, तो हम लोग को भी वही लगा कि इतना ट्रस्ट नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे खासकर, क्योंकि जब हम खुद पे ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं सोशल मीडिया पे कैसे करें। तो और ये एक हो गया कॉमन कि फेक आईडी बना के पैसे मांगते हैं, तो इसीलिए कभी भी अगर रियल आईडी भी है, हम सालों से उस इसी आईडी से अगर चैट कर भी रहे हैं तो भी अगर पैसे वैसे की बात आती है या कुछ वीडियो कॉल्स की बात आती है तो एक बार ना आप फिजिकली वेरीफाई कर लो कि बंदा वही है कि नहीं है। और दूसरा जेन्युइन पर्सन भी रहता है तो भी हम लोग ना, भाई एज है और एज क्या, आजकल तो लोग हमने देखे 60-50 के प्लस वाले एज वाले भी ना मैट्रिमोनियल साइट पे अपना डालते हैं कि हाँ अब सिंगल रहते हैं तो बेचारे उनको भी लगता है कि कोई मिल जाए, है ना, तो डेफिनेटली उनके हिसाब से वो गलत नहीं है। अब भाई हर किसी को पार्टनर चाहिए रहता है, पर खुद सोचिए कि इजीली एक सुंदर सी लड़की क्यों आपसे बात करेगी, है ना, और महीनों बात करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बात हो गया, एक ही दिन में वो कमिटमेंट हो गया कि शादी करना है या जो भी, महीनों बात करेंगे फिर बोलेंगे हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करूँगी, फिर बोलेंगे ठीक है मैं मिलने आ रही हूँ, अरे मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन कराना है, 50,000 चाहिए। अब बंदा तो शादी के लिए कमिटमेंट कर दिया है ना कि मैं तो उसे शादी करूँगा, भले ही सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट से मिले हों, उसको पैसे देने लग जाते हैं, ऐसे लाखों रुपए दे देते हैं जिससे मिले भी नहीं रहते हैं, और वो सिर्फ वीडियो कॉल में वो लोग बाकायदा बात करेंगे ना, उस समय वीडियो कॉल में बात करेंगे, कोई लड़की बात करेगी तो हमें तो लगेगा ना कि जेन्युइन पर्सन है, पर एक्चुअल में वो लोग फ्रॉड करने वाले रहते हैं। तो ऐसे भी केसेस आते हैं। और OLX वाला तो बहुत कॉमन है कि अभी रिसेंटली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, फेसबुक में ऐसे ही पोस्ट डाला था, स्कॉर्पियो थी, एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती स्कॉर्पियो दिख रही थी और उसमें बहुत ही कम रेट पे उसको बेचने का ऐड आया था, तो मेरे ही फैमिली मेम्बर मुझे फ़ोन करके बोल रहे कि इतने सस्ते में स्कॉर्पियो मिल रहा है ले लें क्या, तो मैंने बोला चुपचाप उसको हटाओ और एक मिनट भी उसका नहीं सोचना है, और ख़रीदना है तो जाओ शोरूम से रेट पता कर लो, सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड जो भी चाहिए वहाँ से बात करो, क्योंकि OLX में भी सेम ऐसा रहता है और उसमें बेचने वाला ना आर्मी मैन का वो अपने आप को प्रिटेंड करता है, इवन जब आप उनसे बात करेंगे वो आपको आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड में भी उनका फोटो रहेगा, अपना आईडी प्रूफ दिखाएंगे, आईडी कार्ड में भी वो लोग
अपना आर्मी वाला फोटो दिखाते हैं। देखिए हम लोग पुलिस की भी आईडी बनाते हैं ना, तो जो अभी 5 साल का हम लोग का एक बार बनता है तो सिविल ड्रेस में मंगाते हैं, उसमें एकदम भाई यूनिफॉर्म में वो लोग अपना बनाते हैं। फेक आईडी कार्ड बनाने में कितना टाइम लगेगा, बना दिया लोगों, अब भाई वो सामने से आप देखोगे क्रॉस चेक करोगे तो समझ में आएगा ना कि फर्जी है या सही है, तो ऐसे बनाते हैं। उसके बाद फिर जब आप उनसे वीडियो कॉल करोगे तो आर्मी का ड्रेस पहन के बाकायदा आपसे बात करेंगे, बोलेंगे मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, खासकर जम्मू में पोस्टेड हूँ, श्रीनगर में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, आप मेरे ये सामान बेचना है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है इसलिए मैं सस्ते में बेचना चाहता हूँ, आपको लेना है तो आप इतना दे दो, आपको सामान मिल जाएगा। फिर बाकायदा आपको ना जैसे बाइक का रहेगा तो बाइक का पैकिंग करने का वीडियो भी भेजेंगे आपको कि देखिए आपकी बाइक पैक हो रही है, तो एक्चुअल में जब आप पूरा पे कर दोगे ना कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये OLX फ्रॉड हम लोग जनरली बोलते हैं, तो ये भी बहुत कॉमन है। और फेसबुक, व्हाट्सएप के भी देखो आजकल कॉन्टैक्ट नंबर लेना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि तू अपना कॉन्टैक्ट नंबर कैसे दे देती है सबको, तो मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि अगर किसी को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना है ना तो वो ईजिली ले सकता है। और लोगों के भी जैसे हम लोग एक जगह अभी रेड किए थे तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि उनके पास वो लोगों को कॉल करते थे एज एन कस्टमर, उनसे बात कर देते, उनको अपने ऑफर दिखाते, तो मैंने बोला आप नंबर कहाँ से लेते हो, तो उसने एक शीट दिखाया और उसने बोला कि हम ऐसे सबके डाटा खरीदते हैं जिसमें नाम, एड्रेस, एज और मोबाइल नंबर रहता है, तो लोगों को अपना टारगेट एज ग्रुप वो लोग देखते हैं, नंबर मिल जाता है उसी नंबर से वो लोग कॉल करते हैं। तो ऐसे ही जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना वो ऐसा नहीं कि एकदम हाईली एजुकेटेड लोग हों कि पूरा बी के MTech ये सब की डिग्री लेके बैठे हों, वो लोग भी ऐसे ही ना 4थी 5वीं 10वीं इस टाइप से पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि लोग क्या बोलने से भरोसा करते हैं। और ख़ासकर इंडियंस को ना बातों से ही जीता जा सकता है, आप 2 थप्पड़ मारोगे कोई कुछ नहीं बोल मतलब काम नहीं करेगा आपका, आप उसको गाली दोगे नहीं काम करेगा, आप उससे रिक्वेस्ट भी करोगे नहीं करेगा, लेकिन आप प्यार से उससे बात कर लो 10 मिनट आप जो बोलो ला के रख देगा। तो सेम यही लॉजिक है, वो लोग क्या करते हैं बात करते हैं, बस बात करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो जब कॉल करते हैं वो लोग भी हम लोग पकड़ के लाते हैं ना, उनके पास कोई डिग्री नहीं रहता, वो सिर्फ क्या करते हैं उनके पास सिस्टम रहता है, एक कॉलिंग करेगा, दूसरा उसके पास बैंक डिटेल मिल गया तो उसमें पैसा जैसे ही उसने अकाउंट में डाला तुरंत वो लोग निकाल लेते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे तुरंत हमारे पास कोई कंप्लेन आए हम जो भी पैसा उसने ट्रांसफ़र किया उसको फ्रीज कर दें, बाद में बैंक से बात करके उस पैसे को वापस जिसका है उसको दिलवा दें। पर इसमें अगर डिले होते तो पैसा अगर उन्होंने निकाल लिया तो फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर आरोपी को पकड़ो तभी आपको पैसा मिलेगा। और कई बार आरोपी को पकड़ते भी हैं तो सारा पैसा थोड़े वो लोग रखे होंगे। जामताड़ा की वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी ने देखा है? हाँ सेम है वो, अगर वो सीरीज़ देख लिया तो फिर ज़्यादा साइबर फ्रॉड पे नहीं बोलना है। और एक और कॉमन चीज़ अभी देखने को मिलता है कि वीडियो कॉल आता है, कभी व्हाट्सएप पे भी आएगा, फेसबुक पे आएगा, इंस्टाग्राम पे भी आता है, आप बात करते रहते हैं सामने वाला न्यूट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, कॉल कट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको आएगा उसका प्यार भरा एक वीडियो मैसेज, उसमें फेस आपका रहेगा और बॉडी सामने वाले की जिसमें वो न्यूड हो रहे हैं उसका रहता है। और ख़ासकर ऐसा गर्ल्स मतलब बॉयज़ को ज़्यादा कॉल आता है, ऐसे बॉयज़ को कॉल आएगा, कॉल कौन करेगा, कोई गर्ल्स करेगी, फिर वो लोग बोलेंगे कि आप मुझे पैसे दो नहीं तो ये वाला वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। और ये बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली 2-3 महीने में मैंने सबसे ज़्यादा यही केस देखा है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, अब मेरा तो वीडियो बन गया है, अब सामने वाले इतना टेंशन कि घर वालों को अगर दिख गया तो भाई सोचो बीवी तो छोड़ेगी ही नहीं कि क्या कर रहे हो आप, यही सब करते हो, तो भारी टेंशन में रहते हैं लोग। लेकिन डरने की बात नहीं है, जब भी ऐसा कुछ हो पुलिस को आप लोग इन्फॉर्म कर दे, और ये साइबर स्कैम है एक तरह से, और इसमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, पैसे तो 1 रुपये भी किसी को नहीं देना है, मैं तो वही बोलती हूँ जिस पैसे को कमाने में हम दिन भर मेहनत करते हैं तो पैसा मिलता है, उसको क्यों किसी को इतनी ईजीली दे दें, ठीक है। और तो यही सब चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। और स्कैम आप लोग जान रहे हैं, स्पैम भी एक होता है कि बहुत सारे अनवांटेड मेल्स हम लोग को आते हैं तो स्पैम में आता है, फिर से आइडेंटिटी थेफ्ट वही है, फेक आईडी बनाने वाला। और तो यही वाला जब भी आपको वीडियो कॉल ऐसा आए ना तो इसमें एक आप लोग कर सकते हो, फ्रंट कैमरा अगर नहीं रहेगा तो वीडियो बन पाएगा,
नहीं बन पाएगा, वीडियो में वही दिखेगा। तो जैसे वीडियो कॉल आए ना, फ्रंट कैमरा में आप अपना हाथ रखते हैं तो आपका फेस तो नहीं दिखेगा ना, फिर उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग किया भी तो वो समझ जाएगा कि सामने वाला होशियार है, ये नहीं होगा, फिर वो किसी और कोई कॉल करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो गर्ल्स के साथ बेसिक प्रॉब्लम होता है, ये वाला जो था ना वीडियो कॉल वाला, इसमें मेल बहुत ज़्यादा इसमें विक्टिम बनते हैं, और गर्ल्स किसमें विक्टिम बनते हैं उसकी बात करें तो भाई किसी को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है, है ना, पार्टनर्स बनते हैं, लेकिन बात तब तक अच्छी रहती है जब तक दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी रहती हैं। पर आजकल देख रहे हो पैचअप से ज़्यादा ब्रेकअप होता रहता है, और एक ब्रेकअप होता है तो फिर किसी और से पैचअप भी हो जाता है, कॉमन है ना, एक कईयों के बहुत सारे रिलेशनशिप रहते हैं। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर कोई आ गया ना तो फिर उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक तरह से बोलूँ ना, इतना परेशान हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं कि मैम क्या करें, सुसाइड करने का मन कर रहा है, रहना ही नहीं है, ये बंदा बहुत परेशान कर दिया है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। और इसमें साइबर का कब रोल रहता है, जब हम उससे, अब भाई भरोसा इतना करती है लड़कियाँ, मुझे समझ में नहीं आता, उसको अपने सारे फोटोज़ वीडियोज़ दे देती हैं, नहीं तुम घूमने गए पार्क में घूमे वहाँ के वीडियो फोटोज़ दिए, ओके, तुम उनसे वीडियो कॉल में न्यूड होके बात कर रहे हो, इतना क्यों। हमें समझना पड़ेगा कि किस लेवल तक अपने रिलेशन को लेके जाना है। बहुत बहुत मतलब जितने हमारे पास 376 टाइप के केसेस आते हैं, रेप के केसेस आते हैं या साइबर इसमें आते हैं, तो उसमें यही रहता है कि वो सामने वाले को सारे पर्सनल फोटोज, और उसके साथ भी मुझे समझ नहीं आता कि लोग आजकल चीज़ों को इंजॉय करने से ज़्यादा उसको फोटोग्राफी करना, उसको लोगों को दिखाने में ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है, लेकिन उन पर्सनल फोटोज़ को तो क्या ही दिखाना किसी को, तो फिर क्लिक ही क्यों करना। तो लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप हुआ या फिर लड़की बात नहीं मान रही, या फिर लड़की अगर उस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहती है, तो लड़के उन फोटोज़ को इंस्टाग्राम में पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। और कल ही मेरे पास एक आया था जिसमें ये था कि लड़की बस लड़के के साथ थी, बट उसके एडिटिंग ऐसा किया गया कि न्यूड बॉडी के साथ में उसको मॉर्फिंग कर दिया गया, और फिर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तू मुझे पैसे दे, या तू मेरे साथ आ, तू मेरे साथ रह, तू मेरे साथ फिजिकल हो, नहीं तो मैं ये सारे फोटोज वीडियोस वायरल कर दूंगा। तो ऐसे बोलने में बहुत ईजी लगता है, बट जिसके साथ इस टाइप के क्राइम होते हैं ना, आप सोचो उसका मेंटल स्ट्रेस का लेवल कितना ज़्यादा होगा, कि एक तो घर वालों को बिना बताए हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दूसरा जब ऐसी फ़ोटोज़ अगर घर में फैल जाएं तो क्या करें। और ये लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग तो लड़कियां इतनी बेवकूफ़ क्यों होती है समझ नहीं आता, रिलेशनशिप में आते तो पूरा अपने खानदान का नाम डिटेल सब दे देंगे, लड़के का कुछ नहीं पता है ना, लड़का कहाँ रहता है, मैम वो MP का था, वो यहाँ आया था कुछ दिन काम करने के लिए या किसी शादी में मिला था, ऐसे रहेगा, और अपना पूरा घर वालों का नाम नंबर डिटेल सब, तो बंदा क्या करेगा, सबके फ़ोन में पर्सनल फोटोज़ भेजने लग जाता है कि देखो। फिर एक केस तो ऐसा था कि जिसमें लड़की किसी और से शादी करने जा रही थी, तो भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको परेशान कर रहा था इन्हीं फोटोज़ वीडियोज़ को लेके। तो मेनली साइबर क्राइम वही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब का अगर यूज़ हुआ हो तो साइबर क्राइम है। और देखो आप लोग सारे केसेस को देखो, सब में कंप्यूटर मोबाइल यूज़ हो रहा है, फोटोज़ भी कहाँ से निकालेगा, मोबाइल से निकालेगा ना। तो इसीलिए साइबर क्राइम जो है सबके लाइफ को अफेक्ट कर रही है, पर साइबर क्राइम से बचने का एक ही उपाय है, आप अलर्ट रहो, किसी से बात कर रहे हो तो कितना ट्रस्ट करना है, कितना कमिटमेंट उसके साथ करना है, पैसे देना नहीं देना, वो सब आपके ऊपर है। आप अगर किसी को OTP नहीं बताओगे तो आपके अकाउंट से 1 रुपये नहीं निकाल सकता कोई, आप अगर किसी लिंक को एक्सेस करके उसको ओपन नहीं करोगे तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाएगा, आप अगर किसी लड़के को अपने मतलब खुद वीडियो कॉल करके उससे न्यूड वाली या प्राइवेट फोटोज़ शेयर नहीं करोगे तो मिसयूज़ नहीं करेगा, मॉर्फिंग करेगा तो मॉर्फिंग भाई आप लोग मॉर्फिंग अगर रहेगा ना, आप लोग खुद इजीली जाके पुलिस के पास बोल सकते हो, किसी का तो मॉर्फिंग हुआ होगा ना अगर फोटोज़ के साथ, वो इजीली बोलते कि देखो मैडम मेरे फोटो को ये कैसे एडिट करके शेयर कर रहा है। पर जहाँ पे खुद की गलती रहती है ना, वहाँ पे हमारे पास तो सारे केसेस आते ही नहीं हैं, जितने आते हैं हम उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा केसेस होते हैं जो पुलिस के पास नहीं आते हैं। तो वही है, आप सही रहोगे तो आप लोगों को पुलिस के पास जाके कंप्लेन करने में कोई झिझक नहीं होगा, और रहना भी है सही, और कोई बात नहीं, ह्यूमन बींग है, गलतियाँ इंसानों से ही होती है, तो अगर कुछ गलतियाँ हो भी जाए तो भी आप लोगों को बताना है। और एक और चीज़ जो साइबर क्राइम से अलग है,
रिलेशनशिप पे ही है कि आजकल ऐसा हो गया ना कि जैसे लॉ बनता है तो शुरू में उसका सही यूज़ होता है, बाद में कुछ लोग मिसयूज़ भी करने लग जाते हैं। तो जैसे मैं कॉलेज गई थी तो उन्होंने बोला कि मैडम जो रेप का चार्ज है वो मेल पर्सन पे ही लगता है, लड़कियों पे क्यों नहीं लगता, वो तो रिलेशनशिप में था ज़बरदस्ती अब फंसा रही है उस। मैंने कोई उसका मतलब हम लोग अब देखो रिलेशनशिप में दो लोग आते हैं ना तो डेफिनेटली दोनों की मर्जी से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, पर जब पुलिस के पास आते तो उनका ये कहना रहता है कि लड़के ने ज़बरदस्ती उसका शारीरिक शोषण किया, यही बात आती है। तो इसमें एक चीज़ रहता है कि शादी का झांसा दे के किसी के शारीरिक शोषण करना, ये 376 के दायरे में आता है। तो अगर आप लोग किसी के साथ कमिटमेंट भी रहते हो तो आप लोग पहले से ही क्लियर कर लो कि आपको शादी करना है नहीं करना है, शादी करना है तभी उस लेवल तक जाएं, और सिर्फ शादी नहीं करना है तो उसको भी सामने वाले को क्लियर रखो कि देखो शादी का कोई रोल नहीं है, तुम दोनों एडल्ट हैं, आप पुलिस क्या कर सकते हैं, दोनों एडल्ट हैं ना, तो दोनों की मर्ज़ी, अगर दो लोग अपने बीच में जैसा भी रिलेशनशिप रखे लेकिन आगे चल के दिक्कत ना हो इसके लिए ना आप लोगों को शुरू से ही बात कर लेनी चाहिए। जब ब्रेकअप होता है तभी मामले ना गड़बड़ाते हैं, और या तो लड़कियों का भी यही रहता है कि डेफिनेटली कोई लड़की किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आई तो उसका यही रहता है कि सामने वाला शादी करेगा, पर जब शादी नहीं करता तो उसके पास भी ऑप्शन नहीं बचता पुलिस के पास जाके कंप्लेन करने के अलावा। तो मैक्सिमम केसेस ऐसे ही रहते हैं जिसमें लोग फंसते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, और बस मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें बोलूंगे तो भी वो हो जाएगा और ऑडिबल ही रहेगा। ओके देखिए बहुत सारे जैसे ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल जब करेंगे तो परमिशन वो मांगता है ना। अगर आप परमिट करेंगे तो वो आपके फोटोज़ वीडियोज़ कॉन्टैक्ट एक्सेस करने का वो परमिशन मांगता है। इसीलिए जब हम लोग जैसे अमेजन की बात कर रहे हैं तो वही ऑटोमेटिक वो अपना OTP इसलिए रीड करते हैं क्योंकि हमने परमिशन अलाउ किया हुआ है। और रही बात कुछ ऐसे ऐप वगैरह को बैन करने की, तो बहुत सारे ऐप को बैन किया गया था, और जो आप अगर अभी गूगल प्ले स्टोर में देखोगे डाउनलोड करने के लिए वो डाउनलोड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट करती है बीच बीच में ऐसे डाउनलोड करती है। और मैंने बताया ना जो लिंक वाली बात होती है ना वो ऐसा नहीं है। आप लोगों को ट्रू कॉलर अगर देखे होंगे तो ट्रू कॉलर ऐप अगर डाउनलोड होगा तो कई नंबर से कॉल आता तो बकायदा लिखा था स्पैम, मतलब उसको कई लोग एज एन स्पैम उसको वो लोग हिट कर चुके रहते हैं, फिर भी कई लोग उस कॉल को रिसीव करते। तो इसमें गलती किसकी हुई जो रिसीव कर रहा है। और मैंने बताया ना जो फ्रॉड करने वाले रहते हैं ना वो लोग पूरा डाटा लेके बैठे रहते हैं, एक शीट रहता है पूरा कहाँ से क्या है वैसा। तो वो लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सिम खरीदे, नॉर्मल सिम से एक व्हाट्सएप बिजनेस करके एक ऐप आता है, व्हाट्सएप बिजनेस में वो लोग डाल देंगे ना तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक वो लोगों को सीधा बिना नंबर सेव किए लोगों को नंबर से मैसेज भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल जेन्युइन सा नंबर है वहाँ, उससे किसी को कॉल मैसेज जाएगा तो उसको कैसे ब्लॉक करें या बैन करें। तो इसमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी आता है उनके पास तो कैसे रिस्पॉन्ड करें। बाकी जो ऐसे अनवांटेड ऐप्स वगैरह रहते हैं ना उनको बैन किया जाता है। बच्चे गेम के बहुत एडिक्टेड रहते हैं, और सारे गेम जो भी ऐसे फर्जी गेम रहते हैं ना वो सब में एक्सेस पूरा ले लेता है। तो जैसे ही एक्सेस ले लिया फिर उसके बाद, मैं जब रतनपुर में थी वहाँ पे मेरे पास एक केस आया तो लाइव्स खरीदो ऐसा खरीदो, तो वो सब खरीदने में उस बच्चे ने 2 लाख रुपए
वो कर दिया। तो इसीलिए सेफ्टी मेजर से है कि बच्चों का अगर कोई मोबाइल दे रहे हैं तो उसमें कोई भी बैंक डिटेल वाला मोबाइल ना हो। आप लोगों को ये चीज़ करना होगा क्योंकि आजकल जैसे कोविड का दौर आया तो ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ गया, तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हम जितना अपने मोबाइल को नहीं जानते वो बच्चा उसे ज़्यादा जानता है। तो बच्चे को डमी फ़ोन पकड़ाए ज़्यादा बेहतर रहेगा जिसमें आपके बैंक अकाउंट बिल्कुल भी लिंक ना हो। ये एक सेफ्टी मेजर कर सकते हैं, है ना। और किसी को? जी सर। जैसे कोई कंपनी से आता है कॉल बोला, ऑफर्स जो आते हैं, हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ्री क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आया है, आप हमारे फेवरेट कस्टमर हो, इस लकी कस्टमर हो, आते हैं। आप DND एक्टिवेट कर दो, DND तो उसमें ना कम, हाँ मेरे पास जैसे ना मैं ICICI से मेरे को कॉल आ रहा था तो उसमें ना एम्प्लॉयज़ लोग कॉल करें तो उसमें नॉर्मल मोबाइल वो जैसे कंपनी का रहता है तो जो नंबर डिजिट वो समझ में आ जाता है कि किसी कंपनी का है। तो पर्सनल फ़ोन से भी वो कॉल आता है कि आपके पास फ्री क्रेडिट कार्ड, आपको 1 रुपये देना नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप उनके मैनेजर को बोल सकते हो कि आप हमारे पास ऐसा कॉल मत करवाइए नहीं तो मैं कंप्लेंट करूँगी। आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो मेंटल हैरेसमेंट के नाम से। तो आप उनको बोल दीजिए कि आपको जो भी ऑफर होगा आप प्लीज मैसेज के फॉर्म में दीजिए, कॉल के फॉर्म में बिल्कुल मत दीजिए। नहीं इतने सारे भी नहीं आते कि आप बोल ना पाए, है ना, इतने सारे भी नहीं आते। उससे ज्यादा तो हमारे घर वाले कॉल करते हैं तो आते हैं, हम उसको ना कॉल करके मना कर सकते हैं, लिमिटेड आते हैं हम भी, मतलब हमारे पास भी जेन्युइन नंबर है ना तो कॉल आते हैं। बट आप मना करवा सकते हो और सीधा दोबारा वो बंदा कॉल ना करे करके उसको ब्लॉक करते जा। आते हैं, फ़ोन उठाते ही समझ में आ जाता है। बाकी इतना ज़्यादा भी परेशान वो लोग नहीं, मतलब हम लोग हमारे ऊपर है ना कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप बोल दो कि आपके कंपनी से नहीं आएगा, आप रिटर्न एक लेटर भी दे दो कि यहाँ से बार बार कॉल आता है, ये नंबर है, इस नंबर पे कृपया दोबारा कॉल ना आए। तो लोग अपना एक उनका भी तो रूल्स होगा ना, बैंक वाले काम करते होंगे तो बोल देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि इस पे कॉल मत करना बोल के, है ना। वो करवा सकते हैं, वो फिजिकली आप लोग मैनुअली करवा सकते हैं उसको, है ना। बाकी ज़्यादा ही करे तो आप पुलिस कंप्लेन दो, हम बुलाते हैं। तो आप लोग, हाँ सर, मैडम इसका प्रोसेस क्या है? समझिए कोई साइबर क्राइम या किसी तरह हो जाता है तो प्रोसेस क्या है? सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं और FIR हो जाएगी कि FIR का भी कोई कंडीशन है ना? देखिए सबसे पहले तो जानना है कि FIR क्या होता है। कितने लोग जानते हैं FIR क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो कैसे क्राइम है, किसी भी क्राइम का FIR होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। वाह सही है, एकदम सही पॉइंट पकड़ा। दो ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो पुलिस के पास अगर कोई आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे इन केस अगर हस्बैंड वाइफ के आपस के लड़ाई झगड़े नोकझोंक के मामला है या फिर किसी मतलब दो एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे का पैसा लेन देन किया वो वापस नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास आते हैं। तो ये अपने आपसी सहमति आप वो सिविल वाला मैटर हो जाता है तो हम उसमें FIR नहीं करते। हम उसमें उनको 155 सेक्शन CRPC के तहत उनको बोलते हैं कि आप लोग कोर्ट जाओ क्योंकि वो कोर्ट का मामला होता है। और जो क्राइम होते हैं ना IPC में ही ये सारे सेक्शन होते हैं तो अगर कोई कॉग्निजेबल है तो पुलिस उसमें FIR लेती है। मतलब जो भी आया कंप्लेनेंट आए उनकी जो कंप्लेन है उसको सुनेंगे, कॉग्निजेबल होगा तो FIR लेंगे। तो सेम बैंक फ्रॉड किसी के साथ होता है तो बहुत सारे, एक तो 1930 इस पर आप कॉल करके आप अपना डायरेक्ट कर सकते हो उसका। और ऑनलाइन पोर्टल भी रहते हैं उसमें साइबर क्राइम पोर्टल पे, उस पर जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। पुलिस के पास आए तो पुलिस उसमें, आप जब साइबर क्राइम का FIR के लिए बात आती है जैसे किसी ने पैसा दिया या फिर
उसके अकाउंट से पैसे कट गए, तो पुलिस उसमें कुछ चीज़ें मांगती है, लाइक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, तभी तो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, कि आपका आधार कार्ड हो, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल हो, और जो भी बैंक ट्रांजेक्शन का जो मेल या मैसेज या जो लिंक आया है, ये सारी चीज़ें अगर आप देंगे तो पुलिस उसमें FIR करेगी। FIR करने के बाद हम बैंक से कम्युनिकेट करते हैं, हम बैंक से, आप भले ही दे रहोगे, हम फिर भी उसको फिर से हम लोग उसमें रिक्वेस्ट करके और अकाउंट स्टेटमेंट लाते हैं, उसमें देखते हैं कि वो पैसा किससे कटा है, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम से, या किससे, तो कोई वॉलेट से कटा कि डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो तो सामने वाले का जो अकाउंट नंबर दिखेगा उसको हम लोग लेते हैं, उसका फिर डिटेल निकालेंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना, जो अकाउंट रहता है ना वो एक्चुअल एक्यूज्ड का नहीं रहता है, वो बदमाश है ना, वो अपना अकाउंट क्यों करेगा, वो तो फर्जी बहुत सारे अकाउंट रखे रहते हैं जिसमें वो पैसा जाता है, जामताड़ा में वही दिखाया भी है, तो दूसरों का, तो हम लोग वही देखते हैं कि किस अकाउंट में गया, उसके एड्रेस में जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है कि कहाँ से उसका अकाउंट कौन एक्सेस कर रहा है, फिर हम लोग वो एक्यूज्ड को पकड़ के लेके आते हैं। अगर एक्यूज्ड के पास से पैसे बरामद हो गए तो उसको हम लोग जब्त करके कोर्ट में पेश करते हैं। तो अगर विक्टिम का जैसे 2 लाख रुपए गया, 2 लाख रुपए हमें उससे एक्यूज से मिल गया, तो जब हियरिंग चलेगा कोर्ट में तो 2 लाख रुपए ऐसे वो सीज हुआ है तो वापस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कई बार होता है कि पैसे ख़त्म हो गए रहते हैं, तो उसमें कोर्ट फिर उनको पनिशमेंट देगा कि या तो तुम जितना पैसा गया उतना फ़ाइन भरो या फिर तुम्हें जेल होगा। तो वहाँ से फिर उन दोनों का बात होता है और वो कोर्ट का प्रोसेस होता है कि उसको कितना पैसा मिल सकता है। तो मैं ये नहीं बोलती कि 100% पैसा वापस मिल जाता है, कई सारे मामले में मिल जाते हैं, कई सारे में 100% नहीं मिलता, बाकी फिर वो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उससे दिलवा पाए तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो ये प्रोसेस रहता है हमारे पास, जो भी कंप्लेनेंट आएगा हम उस पर FIR लिखते हैं, FIR के बाद उसमें इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। और जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं, अब भाई किसी का 2000 रुपये कट गया है ना, तो 2000 रुपये कट गया, आरोपी रहेगा कहाँ पे, किसी दूसरे स्टेट में है ना, तो उसको पकड़ने जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा है ना। तो 2000 का जब होता है ना, तो हम लोग कई बार ऐसे करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के जो रहते हैं 1000, 500 या किसी फर्जी कॉल, तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सबको, फिर एक साथ जब टीम जाती है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी एक इंडिविजुअल केस के लिए हम पूरी टीम भेज दें उसको 2000 रुपये के लिए उसको पकड़ के लाए, तो छोटे छोटे अमाउंट के जो रहते हैं उनको बल्क में हम लोग टीम बना के सबको भेजते हैं, फिर उसमें एक साथ फिर आरोपी को लेके आते हैं। तो ऐसा कई कुछ मामले में डिले भी होता है, बट उसका जेन्युइन रीज़न ये है कि ताकि एक साथ कई सारे क्राइम डिटेक्ट हो जाए। नेटफ्लिक्स सब चलाते होंगे, अभी मैं कल ही देख रही थी, मेरे को कई लोग मेरे को सजेस्ट करते ना सोशल मीडिया में भी कि मैडम आप ये मूवी देखो, तो कटहल किसी ने देखा है, देखना उसमें कि एक्चुअल में पुलिस के पास और भी कैसे कैसे काम होते हैं उसे समझ में आएगा आप लोग को। तो प्रायोरिटी हम लोग को सेट करना रहता है कि किसको तुरंत डिटेक्ट करें और किसको थोड़ा डिले डिटेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, ये रहता है ना। हाँ हाँ प्लीज। मैंने उस वीडियो को देखा, उसके बाद जस्ट दूसरे बार वो वीडियो आया कि आपकी टीम ने मतलब इतना क्विक रिस्पॉन्स किया कि 12 बजे तक आपने उन लोगों को लेके आए, वो चल भी नहीं पा रहा था, मतलब आपने अच्छे से कुछ ठीक ठाक किया उसको, उसके बाद आपने उसे माफी भी मंगवाई, बहुत मतलब सराहनीय था। थैंक यू। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पुरानी बस्ती CSP का चार्ज मुझे 1 वीक के लिए मिला हुआ था, 3-4 डेज ऐसे सर की तबीयत ख़राब थी, तो नहीं तो मैं तो वुमेन रिलेटेड क्राइम ही देखती हूँ, इसलिए ऐसा और कुछ वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो जब मुझे चार्ज मिला तो कॉन्सिडेंटली ऐसा कुछ हो गया, और हमारे एरिया में ऐसा कुछ हो तो हम छोड़ेंगे, थोड़ी वाली बात है। तो एक रात को ही इंसिडेंट हुआ था, तो एक 2 लड़के आए, उसमें से एक लड़का गया, उसको सिगरेट खरीदना था, सिगरेट खरीदने के नाम से उसने खरीदा, पैसे वैसे को लेन देन करके उस बुजुर्ग से वो सीधा मारपीट करने लग गया। उसका CCTV फुटेज बहुत वायरल हुआ था, जिसमें देखे होंगे कि वो बुजुर्ग उसको पहले ऐसे पटकता है, फिर वहाँ पर नाली है, नाली के पास पटकता है, फिर उसको मारता है, फिर लात से मारता है, तो इस टाइप से इंसिडेंट होता है। तो इतना वायरल हो गया और सेंसिटिविटी बढ़ गई, और हम लोग भी देखे कि ये क्या हो गया। अब हम लोग रात को भी क्राइम सीन पे गए, बट रात को क्या CCTV फुटेज मिलना पॉसिबल नहीं था, दुकान सब बंद हो गए थे। तो सुबह से हमारी टीम फिर से लगे, मैं खुद उसमें लगी हुई थी, हमने उसका फिर देखा कि कहाँ से वो लड़का आया है। तो ऐसे बहुत सारे CCTV फुटेज को हम लोग फॉलो करते गए, तो उसका पता चले कि उस एरिया से आया है,
उसमें पता कि कहाँ रहता है, फिर उसको फ़ोन वोन लगाए तो फ़ोन बंद, फिर उसके रिश्तेदारों को पकड़े, फिर ऐसे करे, फिर उसको फिर पकड़ के ला के फिर ले आते, सीधा हम लोग जेल भेज देते रिमांड पे। कुछ लोगों को सीखने को नहीं मिलता। हमने सोचा कि उसको फील भी होना चाहिए कि उसने गलत किया है, क्योंकि जो बदमाश है ना उसको जेल जाने की आदत रहती है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पुलिस पीटे या जेल में ले जाके भर दे उनके लिए कॉमन रहता है। पर जो सबसे बड़ी बात रहती है ह्यूमिलिएशन, मतलब या फिर गिल्टी फीलिंग होना। तो उनको क्या भाई, पब्लिकली जब उसको मार रहा है तो उसको एक परसेंट नहीं लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे, वो तो ऐसे मार रहा है जैसे लोग उसको हीरो समझेंगे, मतलब मूवी में जैसे मारते हैं कि मार दिए। तो हमने उसलिए उसको लेके गए कि जिसको मारा, जहाँ मारा, जिन लोगों के सामने मारा, उन लोगों के सामने अगर माफ़ी मांगेगा तो उसको ये फील होगा। और क्या जो उसमें प्रार्थी था ना, उनको क्या लगता है कि सिर्फ जेल भेज देने से काम नहीं होता, उसको भी एक आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ उसको पुलिस ने लाके माफ़ी मंगवाया, तो एक पुलिस के प्रति ट्रस्ट भी बढ़ना था। और पुलिस का रोल ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोपी पकड़े और भेजे, और इससे हमारा मेन मोटिव ये था कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और ऐसी हरकत न करें। उनको ये डर रहना चाहिए कि अगर हमने मारा ना तो पुलिस फिर माफ़ी भी मंगवाती है, तो बस इसीलिए किया था सब। बाकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरे को, बहुत खुशी हुई कि रायपुर पुलिस के सोशल साइट्स में भी हमने उस वीडियो को डाला, इतने लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, ट्विटर में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर गया था, और सिर्फ 2-3 दिन में मोर देन 10 मिलियंस व्यूज उसमें हो गया। तो बहुत अच्छा था, थैंक यू आप लोगों ने भी देखा। हाँ अभी कल ट्रांसफर लिस्ट आया है, सर कबीर धाम के SP उसमें लिस्ट में आए हैं, सर का बहुत अच्छा काम चल रहा है डेफिनेटली। अभी रिसेंटली सर यहाँ रायपुर भी आए थे एक इवेंट में, तो मैं सर से मिली तो सर को वही बोलते, सर आपके साथ में काम करना है, बहुत कुछ सीखना है। और सर का भी तरीका वही रहता है, ट्रैफिक अवेयरनेस पे सर मेनली ज़्यादा फोकस करते हैं, तो कोई ट्रैफिक का वायलेशन कर रहा है तो उसको वहाँ पे करते हैं। अब देखो आप देखना यूट्यूब में जो कोई डांस करते हैं ना, उसके डांस के उतने वीडियोस नहीं जाएंगे जितना उसके ब्लॉग, जो ब्लॉग बनाए रहता है उसके जाते हैं कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पे अभी घूमेंगे, देखो यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, ऐसे बोलने वाले वीडियोस को व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो सेम वही चीज़ वहाँ पे भी मुझे फील होता है कि जब एक्चुअल में पुलिस की कार्रवाई हर कोई देखना चाहता है, जैसे आप लोग भी आए ना तो मैडम क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे देखती है, हर किसी के मन में क्यूरियोसिटी रहती है। तो पुलिस जब ऐसे रोड पे उनको कार्रवाई करती है समझाती हुई ना, तो लोग बहुत देखते हैं, और उसका इफेक्ट भी देखने को मिला था, लोग हेलमेट पहनने लग गए थे, सीट बेल्ट पहनते थे। और एक्सीडेंट में सबसे मेन रोल यही रहता है कि हेड इंजरी से बहुत ज़्यादा डेथ होती है, तो हेड इंजरी से बचने का तरीका क्या है, हेलमेट। तो हेलमेट अगर लगाएंगे तो हो सकता है किसी की, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अगर साल भर भी मेहनत करें उससे किसी एक बंदे को भी फ़ायदा हो ना, तो पुलिस की जो मेहनत है वो सार्थक हो जाती है। तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि सर कभी रायपुर में आए और आप लोगों के लिए भी काम करें। सोशल मीडिया ऐसा है ना कि कहीं भी पोस्टेड रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग आपसे जुड़े रहते हैं, जैसे हम यही रायपुर में रह के दुर्ग से जुड़ गए हैं, तो ऐसा ही है, जो देखते हैं जो सीखते हैं उसी को फॉलो करना है, घर वालों को बताना है। और पुलिस से ज़्यादा आप लोगों की केयर कोई नहीं करता है, आपके मम्मी पापा भाई कोई नहीं टोकते होंगे जब घर से निकलते हैं कि हेलमेट नहीं पहना है, लेकिन पुलिस टोकती है, और पुलिस इतना प्यार जो करती है। आपने वीडियो डाला था जिसमें एक माँ अपने दोनों बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए, हाँ हाँ वो एक्चुअली कहीं और का वीडियो था, जैसे ही मेरे पास आया ना मैं तो उसको शेयर की, ऐसी माँ सबको मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो बेटा अगर घर से निकले ना, उसमें बेटा और बहू थे शायद, हाँ तो लोग ऐसे जा रहे थे तो उसकी माँ आती है दौड़ा दौड़ा के आती है और सीधा उतरवा के उनको पीटने लगती है। क्या किए रहते हैं वो लोग, हेलमेट को हाथ में पकड़े रहते और बाइक चलाते रहते हैं, अरे हाथ में पकड़े उसको सिर में भी लगा लो, सेफ्टी हो जाएगा, है ना। तो ऐसी फिक्र होनी भी चाहिए, और छोटी छोटी बातें आप लोग फॉलो करेंगे आप सभी को काम आएगा। यहाँ कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, जो सब हैप्पी हैं, सेटल्ड है, अच्छा ठीक है। जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो हमारी तरह, लोग लिखते हैं ना मुझे भी DSP बनना, मुझे आपके जैसे बनना, तो मेरा रहता है कि आप DSP बनो लेकिन मुझसे बेहतर बनो, क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां करके यहाँ पहुँचे हैं,
हम चाहते हैं कि लोग वो गलतियाँ भी ना करें, और हमें बहुत टाइम लग गया इस जगह पे पहुँचने के लिए। आजकल तो जैसे अभी रिजल्ट आता है, यूपीएससी का रिजल्ट देखो 22-23 साल में लोग बन जा रहे हैं, तो हम तो 24-25 साल तक समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हैं, बस उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि जब भी टाइम मिले कुछ वीडियोज़ बना लूँ, कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ बना लूँ और उसको अपलोड कर दूँ। अभी एक और मैं शेयर करना चाहूँगी, मेरे यहाँ एक प्रार्थी आई थी, तो ससुराल वालों के खिलाफ मैं एक एप्लीकेशन बना के लेके आई थी, उसमें सारे सेक्शन लगे थे, 294, 294, 323, 506, 498A और भी कुछ कुछ सेक्शन थे। तो मैंने बोला ये टोनी प्रधाना सब था, मैंने बोला ये कहाँ से सीखा, मतलब मैंने पूछा। जनरली जो हमारे पास एप्लीकेशन आते ना, लोग किसी वकील से या किसी से लिखवा के लाते हैं, तो मैंने पूछा वो हैंड रिटन था, आपने ये एप्लीकेशन कैसे बनाया, तो बोला मैंने खुद से बनाया। तो मैंने बोला कि आपने ये सेक्शंस लिखे हैं तो कैसे लिखा कि ये सारे सेक्शन हैं, तो उसने बोला मैडम आप ही के वीडियो में मैंने देखा था। तो वही है, मैं वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जितने लॉस भी रहते हैं ना, सारे लॉ पे भी वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, और यूट्यूब में सर्च करोगे तो आप लोग को मुझसे भी बेहतर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बस कोशिश रहता है छोटा मोटा। थैंक यू। हाँ, सुनने में तो आया था, बाकी मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। और कंपनी का क्या, अभी तो जो बीच में एक आया था ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, 2 साल हो गया है, जिसमें बिटकॉइन को लेकर होता ना, बिटकॉइन के टाइम पे सारे उनके वेबसाइट ऑफिशियल साइट सबको हैक कर लिया गया था। तो ये जो आप लोग जितना सुने हो ना, उतना ही मैंने सुना हुआ है, यहाँ पे नहीं फील किया हुआ है। और ऑफिशियल अकाउंट जैसे सोशल मीडिया अकाउंट ना, जैसे लोग बोलते हैं ब्लू टिक मिल गया तो फिर बहुत अच्छा है, वेरीफाई हो गया, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। पता नहीं, मेरे किसी अकाउंट में ब्लू टिक नहीं है, क्योंकि मेरे को उतना नहीं रहता, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ लोग जुड़े हैं तो जुड़े हैं, वो उसको कोई एक ब्लू टिक से आइडेंटिफाई करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। तो क्योंकि ब्लू टिक मिला रहता है ना, उसका भी अकाउंट हैक हो जाता है, उसके भी अकाउंट में दूसरे लोग पोस्ट करने लग जाते हैं, और ऐसी चीज़ें हुई हैं, बड़े बड़े लोगों के हुई हैं, तो कॉमन है ये सब, है ना। मैम ने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल और हमको अच्छी टिप्स दी हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी हम सब जानते हैं, अभी इतने सारे इनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे भी, और वो टाइम टू टाइम लोगों को ना केवल एजुकेट कर रही हैं। इनफैक्ट मैं मैम से बोलना चाहूँगी कि जितना लॉ और ऑर्डर आप मेंटेन करते हैं, जैसे लोग अपने पूरे स्टेट को क्राइम से आप बचाने के लिए इतनी कोशिश आपकी करते हैं, मैंने मैम की लाइफ स्टोरी देखी थी कि जब वो यंग थी तो माँ ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और जब उन्होंने ये फील्ड चुनी तो इनके फादर ने ऑलमोस्ट मना ही कर दिया था, उस समय मैम का रिश्ता आ रहा था, और माँ ने समझाया उनके इनके फादर को, और बहुत ज़्यादा वो था कि भाई इस फील्ड में तुम कैसे करोगे क्योंकि तुम एक लेडी हो। तो इनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए पेरेंट्स बहुत चिंतित थे। तो मैं चाहूँगी कि मैम के जो कंधे पे 3 स्टार हैं उसके बारे में भी बताएं, और ये इनिशियल जो स्ट्रगल मैम ने फेस किया उसके बारे में भी बताएं। बहुत सही है, जिस दिन मेरा जॉइनिंग था, अगले दिन ज्वाइन करना था, तो रात को ही पापा पूछते हैं सच में ज्वाइन करना है। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि तुम कुछ और करो, पुलिस, भाई मैं गांव से हूँ, गांव में पुलिस के सायरन वाली गाड़ी भी आ जाती है ना, तो डर के मारे सब लोग अंदर छुप जाते हैं। अब तो थोड़ा लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, बाकी लिटरली तो ऐसे में खुद पुलिस की नौकरी में रहना, मतलब दिन रात काम करने का प्रेशर रहेगा, लड़कों के साथ रहेगी, क्या होगा इसको, इससे शादी कौन करेगा फिर। और डेफिनेटली होता है, मतलब जैसे उस समय मेरे रिश्ते आ रहे थे तो कुछ रिश्ते इसी नाम से कट गए कि DSP है, कि पुलिस वाली है, कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है। समझ सकते हो, तो ऐसा कुछ कुछ रहता है, बट मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है कि भाई 24 घंटे की नौकरी है, लेकिन हमेशा नहीं रहती है। जैसे कांस्टेबल रैंक में देखोगे ना, उनकी 8 घंटे की शिफ्ट की ड्यूटी रहती है, 8 घंटे काम के फिर आपको कोई नहीं पूछेगा, बट ऑफिसर रैंक में रहोगे ना तो आपको एक एरिया दिया रहता है, उसमें डेली तो लॉ एंड ऑर्डर 24 घंटे नहीं होते हैं ना, बट आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। हम अपना फ़ोन बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि कभी कुछ इमरजेंसी हो गया, आपको कॉल आया, आपको जाना पड़ेगा, बस यही एक रहता है, नहीं तो जनरल जो रूटीन रहता है वैसे ही काम रहता है मैम। और डेफिनेटली मैं खुद पुलिस वाली को देखती थी ना, किसी को तो बहुत सिक्योर फील होता था। तो मेरे को मेरी एक फ्रेंड थी, वो कॉन्स्टेबल थी,
तो मैं उसके घर गई थी एक बार, तो जब रेडी होके निकले तो मेरे को इतना मन किया ना कि एक बार बोलूँ क्या, एक बार पहनना है। ये जब मैं नहीं बनी थी तब की बात है, बट मैंने फिर नहीं बोला, मुझे लगा कि नहीं वो उसके लिए बना है, मैं एज अ सिविल पर्सन उसको अगर पहनूंगी तो हो सकता है उस यूनिफॉर्म का ही, क्योंकि उसको पहनने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं आज कंधे में 3 सितारे लेके बैठी हूँ, लेकिन शुरू से नहीं थे। जब मैंने पहली बार वर्दी पहना तो सिर्फ 1 सितारा था, फिर 1 साल तक पूरा ट्रेनिंग किया एकेडमी में, दौड़े, पुशअप किए, पुलअप किए, सारे गोली चली आई, सब चीज किए, तब 2 सितारा मिला। फिर उसके बाद 1 साल फिर मेहनत किया, एक कांस्टेबल के काम से लेकर हवलदार का काम, TI का काम, सब इंस्पेक्टर काम, थाना कैसे चलता है, ईच एंड एवरीथिंग हमने सीखा। जब पूरा चीज़ सीख लिया तो ऐसे मेरे ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हुए, तब मैं 3 सितारे लेके फिर एज अ DSP फिर मेरी पोस्टिंग हुई। तो इतना आसान नहीं होता है पुलिस की जॉब, कमाना पड़ता है एक एक स्टार और एक एक मेहनत से, सब चीज़ों को सीखना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने DSP बनने के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब उसके पहले ऐसा लगता था कि, और पापा लोग भी बोलते थे कि तुम CGPSC में सबसे टॉप में डिप्टी कलेक्टर रहता है, फिर DSP का पोस्ट रहता है, फिर ऐसे रहते हैं अकाउंट ऑफिसर, तो उनका कहना था कि तुम एक बार और एग्ज़ाम दो। पर जब मैंने इस वर्दी को पहना मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील हुआ कि अब मुझे कहीं पर भी आप छोड़ दो, मैं, मुझे पता है कि कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, और खुद अपनी सुरक्षा करते हो दूसरों की सुरक्षा कैसे करनी है। तो ये कॉन्फिडेंस ना सिर्फ यूनिफॉर्म में आता है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं डिप्टी कलेक्टर भी रहती तो मुझे इतनी सिक्योरिटी फील नहीं होती। एज एन डिप्टी कलेक्टर अगर मैं किसी भीड़ भाड़ इलाके में जा रही हूँ, थाना में जा रही हूँ, तो हम खोजते हैं कि पुलिस वाले कहाँ हैं, पुलिस वालों को लेके वो लोग साथ में चलते हैं। लेकिन अगर मैं एज अ पुलिस ऑफिसर हूँ ना, मुझे पता है कितनों भी भीड़ में रहे मैं लोगों को बोलूँगी कुछ तो लोग मेरी बात तो सुनेंगे कम से कम, अमल करना नहीं करना उनके ऊपर है। इसीलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग गया कि मैंने और कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया। और डेफिनेटली जितने लोग आज यहाँ पे मेरे से मिल रहे हैं, मुझे सबका नाम नहीं मालूम रहेगा, लेकिन आप लोग मेरा नंबर सर से ले सकते हो, कभी भी कुछ भी इनसिक्योरिटी फील हो, छोटे से छोटे इशू जिसमें लगता है कि पुलिस के पास जाने से क्या बोलेंगे, तो भी आप मुझे अगर कॉल करके भी डर लगता है तो व्हाट्सअप करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और ज़्यादा संघर्ष नहीं बोलूँगी मैं कि जब तक ना संघर्ष तब तक लगता है जब हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं, मुकाम हासिल करने के बाद ना वो सारे स्ट्रगल ही अच्छा लगता, सोचे कि हमने इतना मेहनत किया तभी ये मिला, अगर मेहनत नहीं करती तो नहीं मिलता। डेफिनेटली गांव में मेरे पूरे खानदान में कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, कि कोई ऐसे आइडियल नहीं है जिसको देख के लगे कि अरे यार इसने ये किया है तो मैं इसको देख के कुछ आगे बढ़ूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में जो अभी बच्चे हैं उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल हूँ, जो मुझे वो लोग देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ ऐसा करें। 5 साल पहले जब मेरा DSP में सिलेक्शन हुआ था ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा गांव अलग है, ब्लॉक अलग है, शहर रायगढ़ शहर अलग है, तीनों जगह पे वेलकम हुआ था, दूध से तौले थे, सब चीज़ किए थे। मतलब मैंने तो आज तक किसी का इतना अच्छा सिलेक्शन के बाद सेलिब्रेशन नहीं देखा था जितना मेरा अच्छे से हुआ था, टचवुड ऐसा किसी की नज़र न लगे। बाकी बहुत प्राउड फील होता है, इसीलिए मैं उस गाँव से जुड़ी रहती हूँ। इतना प्यार भाई, पूरे गांव के लोग आ गए थे, मोहल्ला आना अलग होता है, पूरा का पूरा गांव बैठा था, एक एक जन आके मेरे से गले लगा के मेरे को आशीर्वाद दिए थे। तो हम लोग इसीलिए उनसे जुड़े हुए हैं कि कभी भी उनको कुछ दिक्कत हो तो मैं एक पैर में उनके लिए खड़ी रहूं। और एक हम लोग कुछ बनते हैं ना तो हमारा पूरा परिवार, पूरा गाँव, पूरा एरिया उससे कुछ सीखता है। तो कोशिश यही है कि हमारे गांव से, हमारे शहर से और भी बच्चे निकले जो मुझसे बड़े ऑफिसर बने, IPS बने, IAS बने। तो यही है कि हमने सोचा था कि हमें उसी लेवल पे नहीं रहना है जैसे मेरे सिस्टर्स हैं, उन लोगों ने, उनका मैंने ज़िंदगी देखा, बड़े हुए, शादी हो गई, शादी के बाद ससुराल, फिर बच्चे, फिर घर का काम, फिर कमाना, फिर बच्चों को पढ़ाना, इसी में निकल जाता है। पर मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी मैं ऐसे नहीं गुजारूँगी, और मैंने सोचा इसीलिए आज ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजर रही है। ऐसा भी नहीं कि DSP बन गए तो फिर कोई घर का काम नहीं करते हैं, कर रहे थे ना मेंटलिटी की, वो तो बड़े ऑफिसर बन गए। मैं बता रही, मैं खुद खाना बनाती हूँ, खुद सब करती हूँ, लेकिन उसको करने के साथ साथ मैं जॉब करती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा था। तो आप लोग खुद काम कर रहे हो तो आप लोग खुद एक इंस्पिरेशन है। और डेफिनेटली यहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, पर मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि मेल पर्सन जो हैं कुछ होंगे जो घर का काम करके आते होंगे, बट मैक्सिमम उनको घर में सारी फैसिलिटीज मिल जाती होंगी।
पानी चाहिए, खाना चाहिए, घर वाले बना के देते होंगे, लेकिन जितने फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे फीमेल हैं, आप लोग घर का काम भी जाके करते ही होंगे, तो डेफिनेटली आप लोग अपने लिए भी तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोग भी जो कर रहे हो वो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करते हो, है ना।